नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट व्यूअर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें वीडियो को, बेल आइकॉन पर प्रेस भी कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार जानकारी मिलती रहे, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से विदित है कि लोक शिक्षण संचालनालय और आदिम जाति कल्याण विभाग, दोनों विभागों में सीएम राइज विद्यालयों की जो कार्य योजना है और किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाना है, जो कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रिमंडल की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है कि आगामी समय में लगभग 10,000 सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास वाला विद्यालय होगा। इसमें वह सभी बेसिक सुविधाएं होंगी जो कि CBSE और ICSE स्कूल में होती हैं, विद्यालयों में होती हैं। बड़ी लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, बड़ा प्लेग्राउंड होगा और लाने और ले जाने की व्यवस्था भी होगी, यानी कि आवागमन के साधन भी होंगे, और 20 किलोमीटर तक के जितने भी विद्यालय हैं वह इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे और एक बहुत ही बड़े लेवल पर पूर्ण विकसित सर्व सुविधा युक्त सम्पन्न विद्यालय की परिकल्पना है वो अब साकार रूप लेती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षकों की भर्ती कर ली गई, एग्जाम लिया गया, प्राचार्य, उपप्राचार्य और भी अन्य विषय के वर्ग 1 और 2 के संगीत शिक्षक, खेल शिक्षक इत्यादि इत्यादि, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी शिक्षकों की कमी है और 7,000-8,000 के लगभग शिक्षक अभी भी कम पड़ रहे हैं। ये केवल DPI का डेटा है। यदि आदिम जाति कल्याण विभाग की बात करें तो वहाँ भी हजारों की संख्या में शिक्षकों की कमी होगी। अब दोस्तों, समस्या ये आती है और उसका सॉल्यूशन ये है कि शिक्षकों की कमी को कहाँ से पूर्ण किया जाए। तो DPI इस पर विचार कर रहा है कि 2018 की पात्रता परीक्षा जो हुई है उसमें जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको लिया जाना, प्रस्तावित किया जाना चाहिए, तो उसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, इसी के संबंध में पूरी डिटेल क्या है जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं उच्च अधिकारी इससे संबंध में इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इसमें है कि सत्र दहलीज पर, यानी कि इसी सत्र से 2022-23 जुलाई से सीएम राइज विद्यालय में पढ़ाई स्टार्ट करवाना प्रारंभ करना है, लेकिन सीएम राइज स्कूलों में अभी भी 7,000 शिक्षकों की कमी है और अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की जो कमी है वह नवनियुक्त शिक्षकों से पूर्ति की जाए जो कि पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण हो चुके हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो एक तरफ स्कूल शिक्षा का नवीन सत्र दहलीज पर है और दूसरी तरफ राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी सीएम राइज स्कूल योजना है उसमें अभी तक शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाई है। ठीक है, एग्जाम ले लिया गया है जैसा मैंने बताया, प्रदेश के हर जिले को मिलाकर 250 सैकड़ा से अधिक स्कूल खोले गए हैं, यहाँ पर 7,000 शिक्षकों की कमी आंकी गई है। ये केवल DPI का डेटा है। अब स्कूल शिक्षा का नवीन सत्र 13 जून से प्रारंभ होने को है। प्रदेश सरकार मौजूदा शिक्षा सत्र से ही बड़े पैमाने पर सीएम राइज स्कूल खोल रही है। विभाग के मुताबिक यदि उसकी बात हम देखें तो पूरे प्रदेश में 275 स्कूल प्रारंभिक तौर पर संचालित किए जाने हैं और इन स्कूलों में शिक्षकों की पद स्थापना के लिए परीक्षा का रूल तय किया गया था, यानी जो शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसी की पद स्थापना सीएम राइज स्कूलों में की जाएगी, जबकि प्राचार्यों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाई गई थी। विभाग के अनुसार एक स्कूल में 150 से लेकर 2,000 बच्चों के अध्ययन का अनुमान है, जिसमें लगभग 13,000 विषयवार विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये स्थिति है। आगे देखें कि परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से 6,000 शिक्षकों और प्राचार्यों की पूर्ति हो गई है। इनमें से अभी ये भी देखना है कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं। अगर जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके लिए भी पद रिक्त रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि 50% से ऊपर शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। 7,000 शिक्षकों की कमी यहां पर बताई गई है। परीक्षा में चयन होने के बाद भी सीएम राइज स्कूलों में करीब 7,000 शिक्षकों की कमी है और अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन दूसरा विकल्प निकाला गया है
चलिए विकल्प क्या है। तो अफसरों का कहना है कि व्यापम से परीक्षा पास, दोस्तों ध्यान से सुनना, जिन शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है उन्हें सबसे पहले सीएम राइज स्कूलों में पदांकन की प्राथमिकता दी जाएगी ताकि इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। और इसके लिए विषयवार आकलन किया जा रहा है कि किस स्कूल में कितने विषयवार शिक्षक पदस्थ हो गए हैं, कितने पद खाली हैं, और खाली पदों का आंकड़ा लेकर नए चयनित शिक्षकों से उनकी पूर्ति की जानी प्रस्तावित की जाएगी, उस पर ये विचार कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑफिसर्स इससे रिलेटेड क्या जानकारी देते हैं, उनके बयान क्या है। तो देखिए दोस्तों, अवर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय डीएस कुशवाहा कहते हैं कि सीएम राइज स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएं जुटाने के लिए निरंतर काम चल रहा है। जहां तक शिक्षकों की कमी की बात है तो अब यह पूर्ति उन शिक्षकों से होगी जो पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा में चयनित होकर के आए हैं। और इस विषय में भी लगातार कार्य चल रहा है, उस पर भी विचार चल रहा है। चलिए वहीं पर दोस्तों, परिवहन की जो प्रक्रिया है वह भी अंतिम चरण में आ चुकी है, यानी कि परिवहन की व्यवस्था भी पूरी हो चुकी है। अब शिक्षकों की जो कमी है वह नवनियुक्त शिक्षकों से पूरी की जाएगी। और अभी फिलहाल जो काउंसलिंग की स्थिति में है, वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो उन्हें सबसे पहले सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप तैयार रहें, सीएम राइज विद्यालय में नए जो शिक्षक हैं, नवचयनित हैं, उनको भी नियुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। और दोस्तों संभावनाएं ही नहीं हैं बल्कि निश्चित रूप से नए शिक्षकों की नियुक्ति सीएम राइज विद्यालयों में की जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी जानकारी के साथ में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जुड़ते चले जाएं चैनल से, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।